मोहम्मद बिन कासिम जो पूरो नालो अमादुद्दीन मोहम्मद बिन कासिम हो, जेको बनू उमिया जे एक मशहूर सिपह सालार हज्जाज बिन यूसुफ जो भाइटियो हुयो। 15 साल की उम्र में 708 ईस्वी ईरान में कुर्दन सा बकावत के खात्मे लिए सिपह सालारी जहा फर्ज सौंपया वा। तें वक्त बनू उमिया के हुक्मरानन वली बिन अब्दुल मालिक जो दौर हो, हज्जाज बिन यूसुफ इराक जो गवर्नर हो। उन मुहिम में मोहम्मद बिन कासिम कामयाबी हासिल कई और एक मामूली छावनी शिराज के एक खास शहर कर छाई। तें दौरान मोहम्मद बिन कासिम के फारस ईरान के गादी जो हंध शिराज जो गवर्नर मुकर कयो। उन वक्त संदस उम्र 17 साल हुई। पैंजी सलाहतुन सा हुकूमत कंदे हुन पैंजी काबिलियत जहानत जो धाको जमायो। 17 साल की उम्र में ही सिंध की मुहिम से सालार बनाए मोकिलियो वो। मोहम्मद बिन कासिम की फतेह जो सिलसिलो 711 ईस्वी का शुरू थो, 713 तीन जारी रो। उन सिंध जहा अहम इलाका फतेह कया, मुल्तान के फतेह कर सिंध की फतेह मुकम्मल की, पर उत्तर हिंदुस्तान तरफ वधण की ख्वाहिश हालत पूरी थे नस। सिंध ते 711 ईस्वी मुताबिक 10 रमजान अल मुबारक 93 हिजरी में हमलो कयो वयो। उन वक्त इस्लामी खलीफो वलीद बिन मालिक हो। उन जमाने में खलीज फारस बहरिया अरब के रस्ते परे परे ती व्यापार थन्दो हो। एक भेरो लंका का एक जहाज बसरा वही रो हो। उन जहाज में व्यापार के सामान से गडो गड बेवा औरतूँ यतीम बार भी सफर कर रहा हुआ। बदकिस्मती से बहरी कजाकन उनते हमलो कयो, कीमती सामान औरतूँ बार भी साण अगवा कर खी वाया। जडे अमवी खलीफे वलीद बिन मालिक के खबर पई त पान संदस जे हुकुमरान राजा डहर के खत लिख्याऊँ त उन कजाकन के फौरन गिरफ्तार कयो वने, सामान औरतूँ बार आज़ाद कराया वन। राजा डहर उन खत जो जवाब मोकिलो तो बहरी कजाकन से मुझो को वास्तो ना है, उन करे मां कुछ नथो कर सका। उन वाक्य से गडो गड कुछ बया भी अणवणंदड़ वाक्या पेश आया, जैखा पोए हज्जाज बिन यूसुफ खलीफे का सिंध ते हमले की इजाजत वरती। थोड़े ही अरसे में हज्जाज बिन यूसुफ पैंजे भाइटे मोहम्मद बिन कासिम की अगवाणी में एक वो लश्कर तैयार कयो। वो लश्कर अटकल 6000 सिपाहियों ते मुश्तमिल हो, जडे त राजा डहर की फौज अटकल 60000 के लगभग हुई, जैमें जंगी हाथी भी शामिल हुआ। उन हमले वक्त सिंध की अक्सर आबादी जो मजहब बुद्धमत हो। हमले वक्त मोहम्मद बिन कासिम की उम्र 17 साल हुई, हु हमलो मकरान के रस्ते से थो। पेरियो निशानो देबल हो। देबल उन वक्त सिंध की गादी जो शहर हो। देबल फतेह करण का पोए नीरून कोट ते चढ़ाई कई वही। ही शहर मौजूदा हैदराबाद के दखण में सिंधु दरिया की उलंदी किनारे ते हो। दीबल का नीरून जो फासिलो उन वक्त अटकल 3 दिहाड़ा खन हो। नीरून कोट में राजा डहर जो पुट जय सिंह पैंजी फौज से गड मौजूद हो। मोहम्मद बिन कासिम के हमले जो बुधी हु अलूर ओरड़ भजी वो। नीरून के हाकम इस्लामी लश्कर आडो हथियार फिटा कया, शिकस्त तस्लीम कंदे शहर के अरबन के हवाले कयो, जैखा पोए इस्लामी लश्कर सेविस्तान यानि सेवण डां वध्यो। उते राजा डहर जो भाइटियो राज हाकिम हो। मामूली मुकाबलो करण का पोए हु रात की ऊंदाही में बुधिया शहर भजी वो। कुछ ही डीहन में अरबन बुधिया से भी कब्जो कर वरतो। अड़ी तरह सिंध के ओलह पास जहा सब इलाका फतेह करण का पोए इस्लामी लश्कर सिंधु दरिया पार कर बे तरफ के इलाकन के फतेह करण की तैयारी शुरू कई। मोहम्मद बिन कासिम के लश्कर सिंधु दरिया बेजन वसीले पार कयो। जिम के मकाम से राजा मोका बिन साबियान के मशवरन से राजा डहर की फौज से हमलो कयो वो। जंग दौरान राजा डहर हाथी के मस्त थी वजण से कर वही मुश्किल से भजी वजण में कामयाब थी सको। उन रावण के किले में वही पनाह वरती। सिंध की तारीख के बिन अहम किरदारन मोहम्मद बिन कासिम राजा डहर बाबत हमेशा बराया रहा है। बदकिस्मती से अज तई उ खबर न पेजी सकी है तो उन बिन्हीं में सिंध जो हीरो केर है। जितोणीक अक्सरियत मोहम्मद बिन कासिम के मोहसिन सिंध समझे थी, पर किन की नजर में अज भी राजा डहर ही सिंध जो हीरो है। सिंध की तारीख के कमजोर पहलुओं में शामिल ही बई किरदार पैं सही मरतबे से पहुंचने लाए तहकीक घुरन था।